एक बात पर गौर किया आपने कि रोज़ हम द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हैं, रोज़ नए नए शब्द सीखते हैं, इसके बावजूद भी जब भी हम किसी नए एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो कम से कम ये मानो कि 25 से 50 ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के लिए द हिंदू एडिटोरियल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना सा आता है एडिटोरियल? सिर्फ 2 पैराग्राफ होते हैं, और उन 2 पैराग्राफ में कम से कम 25 से 50 शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो हमें नहीं पता। कहने का मतलब है द हिंदू एडिटोरियल इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का एडिटोरियल, जिसकी हेडिंग है वैली ऑफ फ्लास। वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। यहाँ किसके लिए आया है वैली? कश्मीर घाटी के लिए। कश्मीर में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उससे हमारा एडिटोरियल आज का रिलेटेड है। तो वैली ऑफ फ्लास, FLAW, फ्ला। फ्ला का मतलब होता है कोई भी खामी, कोई त्रुटि, कोई कमी या फिर कोई दोष। इसके लिए फ्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम। सिनोनिम और एंटोनिम की दृष्टि से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो कश्मीर घाटी जो है उसमें क्या क्या दोष हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे इस एडिटोरियल में, इसलिए इसकी हेडिंग दी गई है वैली ऑफ फ्लास। देखते हैं, न्यू दिल्ली विल हैव टू इंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन इन कश्मीर। अब देखिए, एक तो शब्द आया है इंगेज। इंगेज का मतलब होता है संलग्न होना, शामिल होना, किसी चीज़ में भाग लेना, तो उसे बोलते हैं इंगेज। दूसरा शब्द आया है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वैसे तो क्या है कि ज़्यादातर व्यवसाय में प्रयोग होता है, बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस में जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में आप भी अगर अपनी हिस्सेदारी रखते हो, आप भी हितधारक हो, तो स्टेक होल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है अगर आपका भी इंटरेस्ट किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो आप भी स्टेक होल्डर हो, हितधारक। शुद्ध हिंदी होती है स्टेक होल्डर की, हितधारक। यहाँ पर स्टेक होल्डर का क्या मतलब है? यहाँ पर स्टेक होल्डर का मतलब है कि कोई भी गतिविधि है, उस गतिविधि से अगर आप भी जुड़े हुए हो, किसी भी तरह से आपका भी कुछ लेना देना है, तो आप भी स्टेक होल्डर कहलाओगे। अब देखते हैं, इस पूरी लाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इसका। न्यू दिल्ली विल हैव टू इंगेज विथ ऑल स्टेक होल्डर्स। नई दिल्ली को संलग्न होना होगा या नई दिल्ली को भाग लेना होगा। किन लोगों के साथ भाग लेना होगा, किस चीज़ में संलग्न होना होगा नई दिल्ली को, या न्यू दिल्ली से तात्पर्य केंद्र सरकार। तो किस चीज़ में जो है संलग्न होना होगा केंद्र सरकार को, किस चीज़ के साथ संलग्न होना होगा। विद ऑल स्टेक होल्डर्स, जो भी हितधारक हैं। स्टेक होल्डर मतलब वे सारे लोग जिन सारे लोगों के हित कश्मीर से जुड़े हुए हों, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वे अलगाववादी हों, चाहे आतंकवादी हों, चाहे कश्मीर के रहने वाले लोग हों, चाहे वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हों, जो भी लोग जिनका भी संबंध कश्मीर से किसी तरह से भी हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। कश्मीर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो किसी भी गतिविधि से अगर आप जुड़े हुए हो किसी भी तरह से, तो आप उसके स्टेक होल्डर हो जाते हो। तो नई दिल्ली को, केंद्र सरकार को संलग्न होना होगा, यानी कि सारे स्टेक होल्डर जो भी हैं, जो भी हितधारक हैं, उन सभी हितधारकों से जो है बातचीत करनी होगी, उन सभी के साथ जो है शामिल होना होगा। इन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन इन कश्मीर, कश्मीर में अगर हम किसी भी तरह का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, किसी भी तरह से जो है निपटना चाहते हैं कश्मीर समस्या से, तो इन सारे लोगों से हमें किसी न किसी तरह से बातचीत में जो है संलग्न होना ही होगा। तब इसलिए ये इस तरह की ये लाइन हमारी लिखी गई है, न्यू दिल्ली विल हैव टू इंगेज विद ऑल स्टेक होल्डर्स इन फाइंडिंग, प्राप्त करने के लिए अ सॉल्यूशन, कोई समाधान निकालने के लिए इन कश्मीर। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन। जम्मू एंड कश्मीर जो सरकार है, उस सरकार का ये जो डिसीजन अभी उन्होंने लिया है, क्या डिसीजन है उनका? टू एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक। जब आप किसी चीज़ को करते हो ना, एब्रप्टली का मतलब अचानक से। टू एब्रप्टली एंड द अमरनाथ पिलग्रिमेज। तो जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्या डिसीजन लिया है, उन्होंने क्या ये डिसीजन लिया है कि उन्होंने अमरनाथ की ये जो तीर्थ यात्रा थी, इसको अचानक जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया है। वैसे ये जो अमरनाथ की पिलग्रिमेज है, अभी चलनी थी, लगभग 15 अगस्त तक और चलनी थी, लेकिन अचानक जो है इसे बिल्कुल समाप्त कर दिया है, रोक दिया है। एटलीस्ट अ फॉर्टनाइट अहेड ऑफ शेड्यूल। जो नियत किया गया था समय, क्या नियत था? लगभग 15 अगस्त तक चलनी थी, तो ये जो शेड्यूल फिक्स था पहले से, इस फिक्स शेड्यूल के 15 दिनों पहले, एक पखवाड़ा। अब फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, फोर्टनाइट इसका मतलब होता है पखवाड़ा। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब पहले ही, एटलीस्ट लगभग मतलब कितना, लगभग लगभग एक पखवाड़े पहले ही हमने जो है इस यात्रा को, इस तीर्थ यात्रा को जो है समाप्त कर दिया है। साइटिंग एरर, साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना। स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ने किस चीज़ का हवाला देते हुए इसको ख़त्म कर दिया है, सामान्य तीर्थ यात्रा को। साइटिंग टेरर थ्रेट्स, कि भाई आतंकी खतरा बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आतंकी खतरे की संभावना है। इज इंट्रीग्यूइंग। अब ये देखो, ये इज जो आया है ना, इज, ये इज आया है जम्मू एंड कश्मीर सरकार के डिसीजन के लिए। देखो आप शुरू से वाक्य पढ़ोगे ना, जम्मू एंड कश्मीर
स्टेट गवर्नमेंट्स डिसीजन, उस डिसीजन के लिए आया है, इज इंट्रीगिंग। तो ऐसा जो डिसीजन जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया है कि जो पहले से फिक्स प्लान था, जिस प्लान के तहत तीर्थ यात्रा को रोका जाना था, उस पहले से प्लान के पहले ही आपने क्या किया कि तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार का जो फैसला है, ये फैसला जो है काफ़ी इंट्रीग्यूइंग है। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है काफ़ी रहस्यमयी, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा पैदा करती है उसको आप बोलते हो इंट्रीग्यूइंग। तो ये काफ़ी रहस्यमयी फैसला है, मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा, मतलब काफ़ी जिज्ञासा से भरा हुआ फैसला है कि नियत समय से पहले जो है आपने इस अमरनाथ यात्रा को जो है बिल्कुल रोक दिया है। मतलब आगे देखते हैं, और क्यों रोका है, कि क्या हवाले दिए हैं, उसके पीछे क्या तर्क दिए हैं, क्या साइटिंग मतलब होता है उद्धरण करना, हवाला देना, साइटिंग टेरर थ्रेट्स कि भाई आतंकी हमले होने की संभावना है। आगे देखते हैं, द अनाउंसमेंट, ये जो घोषणा जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने की है, द अनाउंसमेंट केम क्लोज ऑन द हील्स, ये है एक idiom, क्लोज ऑन द हील्स का मतलब होता है किसी का पीछा करना, या किसी घटना, कोई घटना हुई है, उस घटना के तुरंत बाद कोई दूसरी घटना उसका अनुसरण करे, तो उसको बोलते हैं क्लोज ऑन द हील्स। हील्स का मतलब क्या होता है, एड़ियाँ, कोई चुपचाप कोई घटना हुई, इस घटना के पीछे कोई दूसरी घटना हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्लोज ऑन द हील्स। अब समझते हैं कि ये जो घोषणा हुई है ये किसके पीछे हुई है, यानी कि किसको फॉलो किया है इसने, किसके क्लोज ऑन द हील्स है ये। द अनाउंसमेंट केम क्लोज ऑन द हील्स ऑफ एन अनएक्सप्लेन्ड ट्रूप सर्ज इन द स्टेट। अनएक्सप्लेन्ड ट्रूप, अभी हाल ही में क्या किया गया है कि जम्मू कश्मीर में लेटेस्ट जो न्यूज़ है, उस लेटेस्ट न्यूज़ के अनुसार 28,000 सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उनको जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया है, उन्हें जो है तुरंत अचानक से भेजा गया है। तो ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले के तुरंत बाद जो है ये फैसला आया है हमारा, द अनाउंसमेंट केम, ये जो घोषणा आई है, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ एन अनएक्सप्लेन्ड ट्रूप सर्ज इन द स्टेट। सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी करना, SURGE, सर्ज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ोतरी करना। कि अभी हाल ही में क्या देखने को मिला हमें, कि जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा फोर्सों की तैनाती की गई, और ये क्यों तैनाती की गई अतिरिक्त सुरक्षा फोर्सों की, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड है ये घटना भी। और इस घटना के तुरंत बाद क्लोज ऑन द हील्स क्या हुआ है कि एक स्टेटमेंट आया है, जिस स्टेटमेंट में एक घोषणा आई है, उस घोषणा के तहत क्या कहा गया है, उस घोषणा के तहत तीर्थ यात्रा को जो है अब्रप्टली रोक दिया गया, अचानक से जो है रोक दिया गया है। ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है संसार का जो कि सबसे ज़्यादा, जिसमें कि हमारी मिलिट्री है, यानी कि काफ़ी सारे क्षेत्र हैं दुनिया में जिनमें अधिक से अधिक मिलिट्री तैनात है, उन अधिक से अधिक मिलिट्री तैनात वाले क्षेत्रों में से ही एक जम्मू कश्मीर का नाम भी आता है। ये इस लाइन में कहा गया है कि पहले से ही एक ऐसा मिलिट्राइज्ड जोन है जम्मू कश्मीर, जिसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही तैनात हैं, और इसके बावजूद भी अचानक से जो है फिर उसमें सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अनएक्सप्लेन्ड ट्रूप जो है उसमें जो है बढ़ोतरी की गई है, और उस बढ़ोतरी करने के बाद में ये जो हमारी अचानक से घोषणा आई है कि जो है अमरनाथ यात्रा को अचानक एक पखवाड़े के पहले, 15 दिनों पहले ही उसे रोक दिया गया है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट्स यूजुअली टेंड टू बी मिजरली विथ इन्फॉर्मेशन एंड ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी दे आर मोस्ट स्ट्राइडेंटली सो। आगे देखते हैं क्या मतलब है इसका, गवर्नमेंट्स यूजुअली टेंड टू का मतलब होता है प्रवृत्ति होना, रुझान होना, मतलब सरकार की ऐसी प्रवृत्ति रही है। क्या प्रवृत्ति रही है सरकार की, गवर्नमेंट्स यूजुअली टेंड टू बी माइजरली, MISER, माइजर का मतलब होता है कंजूस, माइजरली मतलब कंजूसपना, अत्यधिक कृपणता, यानी कि सरकार जो रही है वह इन्फॉर्मेशन को लेके हमेशा से ही कृपड़ रही, मतलब सरकार जो है ना सूचना बहुत कम देती है, किन चीज़ों से संबंधित सूचना बहुत कम देती है सरकार, एंड ऑन क्वेश्चंस, या जो भी प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, किस संबंधी प्रश्न, रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, जो भी प्रश्न या जो भी मुद्दे या जो भी सूचनाएँ हमारी सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती हैं, इस प्रकार की सूचनाओं को देने में, इस प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब देने में सरकार की ऐसी प्रवृत्ति रही है कि सरकार जो है कंजूस बनने का रुख अपनाती है, यानी कि सरकार कम से कम सूचना और कम से कम प्रश्नों का जवाब देती है। रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी दे आर मोर स्ट्राइडेंटली सो। अभी देखो स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कठोर, जब आप अपने पक्ष को बहुत मजबूती के साथ रखते हो ना, तब क्या बोलेंगे हम, तब बोलते हैं कि भाई आप अपने पक्ष को स्ट्राइडेंटली जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब तो मतलब बड़ा ही कठोर रुख अपनाया है सरकार ने इस मामले में, तो मतलब कि जो
राष्ट्रीय सुरक्षा से जो भी जुड़े मुद्दे होते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, उनसे जुड़े मुद्दों का जवाब देने में सरकार बहुत ही कठोर रुख अपनाती है, मतलब दे आर मोर स्ट्राइडेंटली सो, याद रखेंगे ना। तो एंड ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, जो भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, दे आर मोर स्ट्राइडेंटली सो, तो सरकार इसके बारे में तो बहुत ही अत्यधिक कठोर रही है। मतलब आगे देखते हैं, बाय द वेरी नेचर ऑफ द सिक्योरिटी अपराटस। ये देखो अपराटस जो है ना, इसका मतलब एक तो होता है उपकरण। अब आपको पता होना चाहिए कोई भी शब्द किस सेंस में पैराग्राफ में प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ इसका मतलब उपकरण नहीं है, यहाँ अपराटस का मतलब होता है, यहाँ इस जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ में अपराटस का मतलब है कोई भी संगठन जो होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड संरचना, उसकी जटिल संरचना, उसके लिए शब्द आया है अपराटस। तो देखो, बाय द वेरी नेचर ऑफ सिक्योरिटी अपराटस, तो ये जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, सिक्योरिटी अपराटस, ये जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, इसका स्वभाव ही बहुत ज़्यादा जटिल है। वेरी जब लगा दिया ना हमने नेचर के आगे, इसको हम लगाते हैं वेरी को इम्फेसिस डालने के लिए, कि जब किसी भी बात पर हम जो बहुत ज़्यादा दबाव देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम लगाते हैं कि वेरी, तब हम लगाते हैं वेरी नेचर। तो बिल्कुल स्वभाव से ही हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, वो सुरक्षा तंत्र जो है वो कैसा है, आगे बताएंगे इसके बारे में। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट, इस सुरक्षा तंत्र की संरचना को देखते हुए, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है इसकी संरचना को देखते हुए, इसके स्वभाव को देखते हुए, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट, यह असंभव है। किस चीज़ के लिए असंभव है? इट इज़ इम्पॉसिबल, यह असंभव है फॉर पार्लियामेंट, द मीडिया और द जनरल पब्लिक टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट वॉलंटरली प्रोवाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। हमारा सुरक्षा तंत्र जो है, इस सुरक्षा तंत्र का निर्माण ही इस तरह से हुआ, इतना जटिल है ये, खासकर जम्मू कश्मीर के संबंध में, कि संसद के लिए या फिर मीडिया के लिए या सामान्य जनता के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, कोई भी सूचना को पा पाना बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि वह सूचना एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही उपलब्ध न कराई जाए। कि कोई एक्सेस का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ आपकी पहुंच के अंतर्गत होती है, किसी भी चीज़ को आप जब आसानी से पा लेते हो ना, तो आप बोलते हो कि ये सूचना मेरी एक्सेस में है, मेरी पहुंच में है। तो सुरक्षा तंत्र से संबंधित जो भी जुड़ी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को पा पाना बड़ा मुश्किल होता है, न तो पार्लियामेंट पा पाती है उसे आसानी से, न मीडिया को मिल पाती है वो सूचना, न सामान्य पब्लिक को मिल पाती है, जब तक कि वो सूचना ऐच्छिक रूप से, वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वतंत्र, ऐच्छिक रूप से प्रोवाइडेड बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो लोग काम को अंजाम देते हैं, यानी कि कानून का निर्माण हो गया, अब जो लोग कानून के निर्माण को लागू करने में जो है मदद करते हैं, उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी कि हाँ भाई, ये कानून को लागू करने में मदद, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना हमारे, जो भी नौकरशाह होते हैं, इनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि किसी भी कानून को या जो भी किसी भी काम को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारे सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए लोग जब तक सूचना को उपलब्ध नहीं कराएं पार्लियामेंट को या मीडिया को या सामान्य पब्लिक को, तब तक वो सूचना हमें आसानी से नहीं मिल सकती। ये हमारे सुरक्षा तंत्र की ऐसी कुछ विशेषता है, इस प्रकार से हमारा सुरक्षा तंत्र बना हुआ है। हेंस इट इज़ इम्पेरेटिव, इसलिए इट इज़ इम्पेरेटिव, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत अनिवार्य है, टू एक्सेप्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स पोजिशन, कि स्टेट गवर्नमेंट की ये जो स्थिति है इसको स्वीकार करना चाहिए हमें। इट इज़ इम्पेरेटिव टू एक्सेप्ट, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम जो है स्वीकार करें। किस चीज़ को स्वीकार करें? द स्टेट गवर्नमेंट्स पोजिशन, कि राज्य सरकार की जो स्थिति है, दैट द डिसीजन ऑन कर्टेलमेंट ऑफ द यात्रा, कर्टेलमेंट का मतलब होता है कमी कर देना, दैट द डिसीजन ऑन कर्टेलमेंट ऑफ द यात्रा सीजन वॉज टेकन keeping in view the latest intelligence inputs of terror threats with specific targeting of the yatra and given the prevailing security situation in the Kashmir Valley। अब देखो थोड़ा लंबा है सेंटेंस, पहले तो इस सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड समझ लेते हैं, इसके बाद में इस पूरी लाइन को समझते हैं। हैंस इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब है अब ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पेरेटिव मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण। टू एक्सेप्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स पोजिशन, कि ये जो राज्य सरकार की जो इस समय स्थिति है ना, उसको हम स्वीकार करें। टू एक्सेप्ट, स्वीकारना, दैट कि द डिसीजन ऑन कर्टेलमेंट ऑफ द यात्रा सीजन, कि ये जो यात्रा का ये जो सीजन था, इस यात्रा के सीजन पे जो सरकार ने डिसीजन लिया है, इस सीजन यात्रा को क्या किया है, कम कर दिया है, मतलब यात्रा की जो अवधि थी उसको घटा दिया है, कम कर दिया है, कर्टेल कर दिया है उसे। वाज टेकन, ये डिसीजन क्यों लिया गया? कीपिंग इन व्यू, देखते हुए, किन चीज़ों को देखते हुए, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, द लेटेस्ट इंटेलिजेंट इनपुट्स, जो नवीनतम खुफिया जानकारी हमें उपलब्ध हुई है, ऑफ टेरर थ्रेट्स, क्या नवीनतम खुफिया जानकारी उपलब्ध हुई है, हमें नवीनतम खुफिया जानकारी उपलब्ध हुई है कि भाई आतंकी हमले की संभावना है, टेरर थ्रेट्स, आतंकी हमले की संभावना है।
विद स्पेसिफिक टारगेटिंग ऑफ द यात्रा। और स्पेसिफिक मतलब अगर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर हम कहें ना, तो ये आतंकी हमला किस पर होने की संभावना है, यात्रा को टारगेट किया जा रहा है, मतलब जितने भी यात्री हैं ना इसमें, इनको टारगेट करके एक आतंकी हमले की जो है संभावना है मतलब। तो एंड गिवन और देखते हुए, एंड गिवन मतलब देखते हुए, ध्यान रखते हुए, द प्रीवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन वर्तमान में, प्रीवेलिंग मतलब बनी हुई है, बनी रहना, वर्तमान में जो व्याप्त है, वर्तमान में जैसी सिक्योरिटी सिचुएशन है, जैसी कि मतलब सुरक्षा स्थिति कश्मीर घाटी में बनी हुई है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसने जो हमें सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं कि भाई ये जो यात्रा दल है, इस यात्रा दल पे आतंकी हमले की संभावना है, इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने जो डिसीजन लिया है, सरकार की जो पोजीशन है, सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि यात्रा की अवधि को घटा दिया है। तो इस डिसीजन को जो है हमें जो है स्वीकार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई सरकार कैसी स्थिति में, उस स्थिति का ध्यान करते हुए हमें ये जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। ये इस पूरी लाइन का मतलब है। आगे देखते हैं, देयर कुड बी वैलिड प्रोफेशनल एंड टैक्टिकल रीजन्स, हो सकते हैं, संभावना है इस बात की, देयर कुड बी वैलिड वैध देयर कुड बी वैलिड प्रोफेशनल एंड टैक्टिकल रीजन्स फॉर द लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कि ये जो भी हमारा सुरक्षा प्रबंध होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, उसमें हमने क्या कर रखा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता को बिल्कुल लिमिटेड कर रखा है, कम से कम पारदर्शिता कर रखी है हमने, मतलब भाई सिक्योरिटी रीजंस के चलते सारी जो बात होती है सुरक्षा संबंधी मुद्दों से जुड़ी, वो हम आम लोगों को नहीं बताते, ना तो मीडिया को बताते हैं, ना जन सामान्य को बताते हैं। तो इसके पीछे एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इसके पीछे हमारे व्यावसायिक कारण हो सकते हैं या रणनीतिक कारण हो सकते हैं। टैक्टिकल रीजन, टैक्टिकल रीजन मतलब रणनीतिक कारण, प्रोफेशनल रीजन मतलब व्यावसायिक कारण, तो हो सकते हैं, देयर कुड बी वैलिड प्रोफेशनल एंड टैक्टिकल रीजंस कि वैलिड कि बिल्कुल वैध हमारे व्यावसायिक या रणनीतिक कारण हो सकते हैं कि हमने जो है सीमित कर रखा है सिक्योरिटी संबंधी जो भी मामले हैं, उन संबंधी मामलों में पारदर्शिता को जो है हमने सीमित कर रखा है, उनमें जो है हम पारदर्शिता नहीं बरतते हैं या कम से कम पारदर्शिता बरतते हैं। बट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज स्ट्रेच्ड दिस प्रिंसिपल, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है, ये जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, कम से कम पारदर्शिता बरतने का सिद्धांत, खासकर सिक्योरिटी मामलों में। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो सिद्धांत है कि कम से कम पारदर्शिता बरतने का, इसको स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच का मतलब है फैला देना, इस सिद्धांत को फैला दिया है टू इनटॉलरेंस, इतना ज़्यादा फैला दिया है उन्होंने इस सिद्धांत को, इस सीमा तक उन्होंने इस सिद्धांत को फैला दिया है कि अब ये इसको जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। टू इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता, टू रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन जनरल, कि भाई ठीक है कुछ लिमिटेड जगह पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन आप जो है इस सिद्धांत को हर जगह ही लागू कर दो, मतलब सामान्य रूप से आप थोड़ी लागू कर सकते हो इस सिद्धांत को, भाई सामान्य रूप से तो आप ट्रांसपेरेंसी बनाए रखो, मतलब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखो, हाँ कुछ जो अति संवेदनशील मुद्दे हैं वहाँ पे आप जो है ट्रांसपेरेंसी को जो है अपनी बनाए रख सकते हो, मतलब कि वहाँ पे जो है आप मत बताओ हमें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे तो आप जो हमें सूचना उपलब्ध कराओ। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस सिद्धांत को, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी रखने के सिद्धांत को, सीमित पारदर्शिता रखने के सिद्धांत को, मतलब पूरी तरीके से फैला के रख दिया है, मतलब हर जगह लागू कर दिया है सिद्धांत को। बट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज स्ट्रेच्ड दिस प्रिंसिपल टू इंटॉलरेंस, इस सीमा तक उन्होंने इस सिद्धांत को फैला दिया है कि ये जो है अब असहिष्णुता की हद तक आ गई, मतलब अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मतलब इतना ज़्यादा नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस सिद्धांत को फैला दिया है। टू रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी इन जनरल, ऑफन क्वेश्चनिंग द पेट्रियटिज्म ऑफ दोज सीकिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस सिद्धांत को इतना ज़्यादा मतलब फैला दिया है कि ऑफन क्वेश्चनिंग, कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट सरकार जो है क्वेश्चन करने लग जाती है, अक्सर उन लोगों से क्वेश्चन करने लग जाती है, उन लोगों की देशभक्ति पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा देती है जो कि सार्थक सूचना मांगने का प्रयास करते हैं, जो कि सार्थक सूचना चाहते हैं, सीकिंग, सीकिंग मतलब चाहते हैं, देखते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मतलब महत्व, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मतलब अर्थपूर्ण सूचना, कि मतलब जो लोग अर्थपूर्ण सूचना, सार्थक सूचना पाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं, मांगते हैं, तो उन लोगों पर भी नरेंद्र मोदी सरकार जो है क्या लगा देती है, प्रश्न चिन्ह लगा देती है, उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ा कर देती है कि आप जो है देश से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना जो है मांग रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, यानी कि आप राष्ट्रद्रोही हो, इतना तक आरोप जो है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट लगा देती है उन लोगों पर। तो ये इस पूरी लाइन का मतलब है कि बट द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज स्ट्रेच दिस प्रिंसिपल, कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रिंसिपल को, किस प्रिंसिपल को, कि पारदर्शिता को लिमिटेड रखना चाहिए, लेकिन लिमिटेड जो है, सीमित जो है, वो कुछ सीमित मुद्दों तक ही, कुछ जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं ना उन्हीं तक जो है हमें इन मुद्दों को जो है
ट्रांसपेरेंसी को सीमित रखना चाहिए। आप जो है हर जगह ही उसे जो है मतलब कर देते हो ऐसा कि आप जो है हर जगह ही कह रहे हो कि नहीं नहीं यार यहाँ पर भी जो है ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड होगी, और फिर अगर आप कोई सूचना मांगने आता है तो आप जो है उसकी देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हो। ये इस लाइन का मतलब है। आगे देखते हैं, दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन अनइक्विवोकल एंड आउट स्पोकन। अनइक्विवोकल, वोकल जहाँ भी दिख जाए ना आपको, वोकल जो भी शब्द दिख जाए आपको जिसमें वोकल लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है बोलने से संबंधित है ये शब्द। अनइक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट। जब आप कोई भी बात बोलते हो और समझ में नहीं आता आप कहना क्या चाहते हो तो उसका मतलब होता है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब अस्पष्ट। आउट स्पोकन, आउट स्पोकन का मतलब होता है कोई भी बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ कहना, बिल्कुल स्पष्टवादी होना। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है ना उसमें बड़ा विरोधाभास नज़र आता है, मतलब वो अस्पष्ट भी है और स्पष्टवादी भी है। अबाउट किसके बारे में? इट्स इंटेंशंस, उसके इरादों के बारे में। यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है उसके इरादे समझ में नहीं आ रहे, कभी तो अस्पष्ट लगते हैं और कभी वो जो है स्पष्ट लगते हैं। उसके इरादे कुछ समझ में आ नहीं रही बात की मतलब चल क्या रहा है मामला। अब कैसे वो इक्विवोकल है और कैसे आउट स्पोकन है, ये दोनों अपोजिट शब्द हैं। अनइक्विवोकल का मतलब हो गया अस्पष्ट और आउट स्पोकन का मतलब हो गया बिल्कुल स्पष्ट रूप से किसी बात को कहना। तो नरेंद्र मोदी सरकार रही है कैसी रही है? हैज़ बीन रही है अनइक्विवोकल एंड आउट स्पोकन, अस्पष्ट और स्पष्टवादी रही है अपने उसके इरादों के बारे में। अबाउट इट्स इंटेंशंस, इंटेंशन मतलब इरादे। टू पुश फॉरवर्ड, अब ये देखो जो टू पुश फॉरवर्ड आई है ये एक फ्रेजल वर्ब है। पुश फॉरवर्ड का मतलब होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। पुश का मतलब होता है धक्का देना, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, तो पुश फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ? आगे की ओर धकेलना, मतलब उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। विद एनलिंग द स्पेशल स्टेटस दैट जम्मू एंड कश्मीर इज अकॉर्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 370 एंड 35। जम्मू जो हमारी केंद्र सरकार है वो अस्पष्ट रही है और स्पष्टवादी रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा कि भाई उसका रुख क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है। टू पुश फॉरवर्ड, किस चीज़ को लेकर इरादे की बात की जा रही है कि भाई उसने उन्नति क्या की है। विद एनलिंग, ए डबल एन यू एल, एनल, एनल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली समाप्त कर देना, किसी चीज़ को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। कि भाई ये जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को प्रदान किया गया, अकॉर्डेड, अकॉर्डेड का मतलब होता है प्रदान करना, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल दर्जा दिया गया है, जो प्रदान किया गया है हमारे संविधान के जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35A है, इन आर्टिकल्स के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। तो जो केंद्र सरकार के जो इंटेंशन है, जो इरादे हैं, क्या इरादे कि भाई उसने क्या प्रोग्रेस किए, वो जो है इसको हटाना चाहती थी, मतलब ये जो आर्टिकल 370 को हटाना चाहती थी, समाप्त करना चाहती थी, एनल करना चाहती थी इसे। तो इसको एनल करने के संबंध में सरकार का जो इंटेंशन है ना वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब कभी तो अस्पष्ट नज़र आता है, कभी स्पष्टवादी जोर से कहती है कि हम हटा डालेंगे, तो इसमें संबंध में क्या प्रोग्रेस की है, ये कुछ चीज़ें समझ में आ नहीं रही मतलब। तो ये जो है करंट अफेयर से जुड़ा मुद्दा है, इसको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो यहाँ तक हमने अर्थ समझा, अब आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज़ क्लियर, सरकार इस बात में तो बिल्कुल स्पष्ट है, दैट देयर इज़ नथिंग टू नेगोशिएट विथ एनी वन इन द वैली और अबाउट द वैली। कि सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर वो समझौता करना चाहती है या बात करना चाहती है वैली में, न तो वो किसी से बात करना चाहती है, न किसी से समझौता करना चाहती है, और न वैली के बारे में बात करना चाहती है। यहाँ वैली वैली बार बार आना, वैली का मतलब है कश्मीर, कश्मीर घाटी, कश्मीर यहाँ जब भी वैली आया आप समझो कश्मीर, यानी कि कश्मीर से जुड़े हुए किसी भी लोग से न तो वो नेगोशिएट करना चाहती है, न बातचीत करना चाहती है, और न इससे जुड़े हुए किसी मुद्दे से बातचीत करना चाहती है। विथ एनीवन, किसी के भी साथ सरकार नहीं करना चाहती है, इस बारे में सरकार बिल्कुल स्पष्ट है। एन इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है वार्ताकार। अब एक थोड़ी सी आपको मैं एडवाइस दूंगा कि इंटरलोक्यूटर को याद करने के लिए और इससे जुड़े, इंटरलोक्यूटर में एक शब्द आ रहा है लोक्यू, LOQU, ये है एक रूट वर्ड। तो इस रूट वर्ड से जुड़े 10-12 शब्द हैं, उन सभी शब्दों को याद करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाके आप क्लिक करें, 5-7 मिनट का वीडियो है आपको, और चुटकियों में 8-10 मीनिंग याद हो जाएंगे बिल्कुल फटाफट। आप मेरे चैनल पेज पर भी जा सकते हैं सीधे, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके वोकेबलरी फॉर SSC CGL एंड अदर एग्जाम्स के टाइटल के नाम से एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इंटरलोक्यूटर और ये लोक्यू शब्द से जुड़े हुए शब्दों को याद करना है। तो आगे देखते हैं, इंटरलोक्यूटर का मतलब होता है वार्ताकार। एन इंटरलोक्यूटर अपॉइंटेड बाय द सेंटर इज डिफंक्ट, डिफंक्ट फंक्शन में न होना, फंक्शन मतलब कार्य में होना, डिफंक्ट मतलब निष्प्रभावी हो जाना, निष्क्रिय हो जाना। तो सरकार ने जो वार्ताकार नियुक्त किया था, केंद्र सरकार ने जो नियुक्त किया गया था, वो इस समय बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, वो बिल्कुल निष्प्रभावी है, मतलब एन इंटरलोक्यूटर अपॉइंटेड बाय द सेंटर इज डिफंक्ट।
द बीजेपी एंड द सेंटर हैव आल्सो बीन परस्यूइंग अ पॉलिसी ऑफ अंडरमाइनिंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज इन द स्टेट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स एंड पॉलिटिकल रिटोरिक. एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स का मतलब होता है प्रशासनिक उपाय. पॉलिटिकल रिटोरिक, पॉलिटिक रिटोरिक का मतलब होता है राजनीतिक भाषणबाजी. रिटोरिक, RHETORIC, रिटोरिक. रिटोरिक का मतलब होता है जब आप भाषणबाजी करते हो ना, मतलब प्रभाव, जनता को प्रभावित करने के लिए बड़े ऊंचे ऊंचे बोल बोलते हो और इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि आप यार मीनिंगफुल बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो. मतलब तो बिल्कुल लफाजी करना, मतलब बिल्कुल भाषणबाजी करना, उसको बोलते हैं रिटोरिक. तो पॉलिटिकल रिटोरिक का मतलब हुआ राजनीतिक भाषणबाजी. एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स का मतलब हुआ प्रशासनिक उपाय. इसके अलावा द बीजेपी एंड द सेंटर हैव ऑल्सो बीन परस्यूइंग. परस्यूइंग मतलब फॉलो करना, अनुसरण करना. तो बीजेपी और ये जो हमारी केंद्र सरकार है, ये हमेशा से फॉलो करती रही, अनुसरण करती रही है. किस चीज़ का अनुसरण करती रही है? पॉलिसी. किस पॉलिसी का? ऑफ अंडरमाइनिंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज. अंडरमाइन का मतलब होता है कम करना, कि जो मुख्य धारा की, मुख्य धारा से जुड़ी हुई जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं कश्मीर में, उन राजनीतिक पार्टियों को कमज़ोर करने का प्रयास हमेशा से केंद्र सरकार और बीजेपी करती रही है. द बीजेपी एंड द सेंटर हैव ऑल्सो बीन परस्यूइंग अ पॉलिसी. एक ऐसी नीति को अपनाती रही है जिस नीति के तहत अंडरमाइन किया जाता रहा है, कम किया जाता रहा है. किन चीज़ को कम किया जाता रहा है? मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्य धारा में जो है कश्मीर में, मुख्य धारा में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के महत्व को कम करने का प्रयास हमेशा से केंद्र सरकार करती रही है. इन द स्टेट, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है. थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स, किसके माध्यम से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के महत्व को कम किया जाने का प्रयास किया सरकार ने? कुछ प्रशासनिक उपायों के द्वारा और कुछ राजनीतिक भाषणबाजियों के द्वारा. ट्रू, ये बिल्कुल स्पष्ट है. द गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब होता है शासन. द गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस. ये जो दो पार्टियों का नाम आया ना, एक तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस. ये पार्टियां मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में कार्यरत हैं. तो इन पार्टीज़ के अगर हम शासन को देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें, इन पार्टीज़ ने जो शासन किया था, उस शासन के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखें, तो ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, अपने टारगेट को पाने में, अपने लक्ष्य को पाने में विफल होना. तो इन दोनों का जो शासन है वो बहुत दूर रहा है. लक्ष्य को पाने की तो बात ही छोड़ो, लक्ष्य को पाने में बहुत ज़्यादा दूर रहा है. मतलब किसी तरह से इंस्पायर ही नहीं करता, कोई प्रेरणा ही नहीं देता. मतलब फॉल्स फार शॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग, यानी कि इन दोनों पार्टियों का जो शासन रहा है, इन दोनों पार्टियों का जो शासन काल रहा है, वह इतना ज़्यादा प्रेरक नहीं रहा है. वह मतलब इतना ज़्यादा प्रेरक नहीं रहा है. वह अपने लक्ष्य को पाने में जो है विफल रहा है. मतलब इन दोनों पार्टियों ने अपेक्षित जो परिणाम देने थे, वो अपेक्षित परिणाम इन पार्टियों से हमें नहीं मिले हैं. इंस्पायरिंग नहीं रहे हैं इनके शासनकाल. आगे देखते हैं. नेवर्थलेस, तथापि, इसके बावजूद, दीज पार्टीज हैव बीन इंटेग्रल टू द वेज इन विच न्यू दिल्ली इंगेज्ड विद द वैली. तथापि, इनके बावजूद भी भाई इनका शासन जो है अच्छा नहीं रहा है, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने में विफल रहा है, बहुत दूर रहा है. फार मतलब काफ़ी दूर रहा है, प्रेरक नहीं रहा है इनका शासनकाल. इसके बावजूद भी इन पार्टियों, ये जो पार्टियां रही हैं, ये दोनों पार्टियां, ये अभिन्न हिस्सा रही. इंटेग्रल मतलब होता है अभिन्न, बड़ा महत्वपूर्ण. अभिन्न हिस्सा रही. किस चीज़ का हिस्सा रही है अभिन्न हिस्सा? उन तरीकों का, जिन तरीकों से न्यू दिल्ली ने जब भी घाटी के साथ कश्मीर में, कश्मीर से जो भी जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जब भी न्यू दिल्ली ने इंगेज होना चाहा है, न्यू दिल्ली जब उन मुद्दों से जुड़ना चाहिए, शामिल होना चाहने का प्रयास किया है, तो उन सारे तरीकों में इन पार्टियों ने अपनी भूमिका जो है, इनकी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण रही है. ये काफ़ी इंटेग्रल रही हैं. पाकिस्तान में भी पपेटरिंग द सेपरेटिस्ट हुरियत, हो सकता है इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान क्या कर रहा हो? पपेटरिंग कर रहा हो. पपेट का मतलब होता है कठपुतली. पपेटरिंग का मतलब होता है कठपुतलियों की तरह नाच नचाना. सेपरेटिस्ट हुरियत, हुर्रियत जो शब्द आया ना, इस शब्द का मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर आज़ादी. तो हुर्रियत क्या है? एक संगठन है. इस संगठन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी अलगाववादी, सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, जो ये चाहते हैं कि भाई कश्मीर को अलग कर दिया जाए, मतलब, तो सेपरेटिस्ट हुर्रियत जो भी हैं, जितने भी लोग जो है अलगाववाद चाहते हैं, तो कोई भी हो सकते हैं, अलगाववाद चाहने वाले कश्मीर से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के भी कुछ लोग हो सकते हैं. तो ऐसा इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान इन अलगाववादियों को, जो कि कश्मीर के अलग होने की मांग करते हैं, इन अलगाववादियों को अब कठपुतलियों की तरह नचा रहा हो, इस बात की संभावना है. बट न्यू दिल्ली विल हैव टू इंगेज. लेकिन इसके बावजूद
न्यू दिल्ली को संलग्न होगा होना होगा विथ ऑल स्टेक होल्डर्स, उन सारे हितधारकों के साथ जो है इंगेज होना होगा न्यू दिल्ली को, जो कि इस कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जिनके हित कश्मीर से जुड़े हुए हैं। स्टेक होल्डर कोई भी हो सकते हैं, वो लोकल पीपल हो सकते हैं, पाकिस्तानी हो सकते हैं, अलगाववादी हो सकते हैं, कोई भी स्टेक होल्डर जिनके कि हित कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ न्यू दिल्ली को संलग्न होना होगा ताकि रिजोल्व किया जा सके। रिजोल्व मतलब होता है किसी समस्या का निपटारा करना, किसी हल पर पहुँचना, इन रिजोल्विंग, कि अगर हम रिजोल्व करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं, किस चीज़ को हल करना चाहते हैं, द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है ये जो झगड़ा बना रहता है ना किसी चीज़ में, झगड़ा जो चलता है, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कलह या झगड़ा, कि ये जो झगड़ा जो बना हुआ है, ये जो कलह जो बनी हुई है कश्मीर में, इस कलह को शांत करने के लिए, इसको हल करने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए न्यू दिल्ली को उन सभी लोगों से जो है इंगेज होना होगा जो कि स्टेक होल्डर हैं, जिन लोगों के हित कश्मीर से जुड़े हुए हैं इन द वैली, कश्मीर घाटी में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट विथ अ मेजोरिटी ऑफ इट्स ओन इन द लोकसभा हैज़ इंस्टीड अपेंडेड UPENDED, अपेंडेड बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है सिनोनिम और एंटोनिम की दृष्टि से। इस अपेंडेड शब्द का मतलब क्या होता है ये हम ध्यान से समझ लेते हैं। अपेंडेड का मतलब होता है बदल देना, पलट देना, समाप्त कर देना, ये होता है अपेंडेड का मतलब। तो दुर्भाग्य से क्या किया कि पहली जो बीजेपी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस सरकार ने क्या किया, जिसकी की मेजोरिटी थी, स्वयं की मेजोरिटी थी लोकसभा में, इस सरकार ने क्या किया, पलट डाला। किस चीज़ को पलट डाला, किस चीज़ को बदल डाला, द पॉलिसी ऑफ द फर्स्ट वाजपेयी लेड बीजेपी गवर्नमेंट, उस नीति को बदल डाला। किस नीति को बदल डाला, जो कि पहली वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में जो नीति बनाई गई थी, उस नीति को पहली बीजेपी सरकार जो कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी, इस सरकार ने बीजेपी सरकार की पॉलिसी को बदल डाला। कौन सी पॉलिसी को बदल डाला, अब आगे देखते हैं। विच सॉट टू स्ट्रेंथन द रीजनल पार्टीज, भाई वाजपेयी सरकार जो थी उस सरकार की पॉलिसी ये थी कि भाई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं कश्मीर में उनको जो है मजबूत किया जाना चाहिए, उनको मजबूत किया जाना चाहिए ताकि कश्मीर समस्या का हल निकाला जा सके। लेकिन इस पॉलिसी को नरेंद्र मोदी की जो पहली सरकार बनी, उस सरकार ने इस पॉलिसी को बिल्कुल पलट डाला, अपेंडेड, इस पॉलिटी को बिल्कुल ही उलट डाला, इस पॉलिटी को जो है बिल्कुल खत्म ही कर डाला। इंगेज द सेपरेटिस्ट एंड पाकिस्तान टू मेक प्रोग्रेस टूवर्ड पीस, और क्या पॉलिसी थी वाजपेयी सरकार की, उनकी ये पॉलिसी थी कि क्षेत्रीय पार्टियों को जो है ताकतवर बनाया जाए। इंगेज द सेपरेटिस्ट, जो भी अलगाववादी लोग हैं और जो भी पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के साथ और अलगाववादियों के साथ संलग्न हुआ जाए और बातचीत करके मामले का हल निकाला जाए, टू मेक प्रोग्रेस टूवर्ड्स पीस। तो ये जो पॉलिसी थी वाजपेयी गवर्नमेंट की कि भाई आप जो है क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूती प्रदान करो, पाकिस्तान और अलगाववादी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर बातचीत करो और जो है समस्या का हल निकालने का प्रयास करो, प्रोग्रेस करने का प्रयास करो। तो इस पूरी पॉलिसी को जो है अपनाने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, इस पूरी पॉलिसी को ही अपेंडेड कर दिया, पूरी पॉलिसी को ही पलट डाला। इंस्टीट लिखा हुआ है ना, इंस्टीट मतलब बजाय इस पॉलिसी को अपनाने के, नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, इस पूरी पॉलिसी को ही पलट डाला। अब आगे देखते हैं, इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के नवीनतम वर्षों में क्या हमें देखने को मिला, द सिचुएशन इन द वैली हैज वर्सन्ड, जो कश्मीर घाटी है उसमें जो स्थिति जो है वो और भी बदतर हो गई है। वर्स, WORSE, वर्स का मतलब होता है जब सिचुएशन बुरे से बुरी हो जाती है ना, मतलब उसको बोलते हैं वर्स, बदतर हो जाना। तो अभी हाल ही के वर्षों में हमने देखने को मिला है कि जो स्थिति कश्मीर में जो है वो क्या हुई है, और भी बदतर हो गई है। एंड टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बिकम एग्रावेटेड, और जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में है वह और भी ज़्यादा बुरी हालत में आ गया है। एग्रावेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सिनोनिम और एंटोनिम में अक्सर जो है पूछा जाता है, याद होना चाहिए, और स्पेलिंग मिस्टेक की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रावेट, AGGRAVATE, देखो एग्रावेट का मतलब होता है किसी समस्या को और बढ़ा देना, एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ा देना, लेकिन नेगेटिव सेंस में। कोई समस्या है वो पहले से खराब थी, वो समस्या और ज़्यादा खराब हो गई। तो यही हुआ है कि रिसेंट ईयर्स में हमें ये देखने को मिला है कि जो कश्मीर घाटी है उसमें जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा और भी खराब हो गई है। भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो और भी बुरी स्थिति में पहुँच गए हैं। तो ये है इस लाइन का मतलब। आगे देखते हैं, न्यू दिल्ली क्वाइट राइटली मतलब बिल्कुल ठीक किया, क्वाइट राइटली न्यू दिल्ली ने बिल्कुल सही किया, क्वाइट राइटली रीबफ, REBUFF, रीबफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फटकारते हुए अस्वीकार कर देना। कोई भी मैटर आपके सामने आता है और उस मैटर को जो है आप बिल्कुल अस्वीकार कर देते हो, बिल्कुल दो टूक जवाब दे देते हो, अरे हटाओ इसे, कहाँ से ले आए, तो उसको बोलते हैं रीबफ करना। तो न्यू दिल्ली ने बिल्कुल सही किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रीबफ कर दिया, डांट दिया, फटकार दिया, उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हु, कोमा के बाद देखो, इविडेंटली इन सर्च ऑफ एन एरिना,
डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की जा रही है, जो कि प्रामाणिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रामाणिक रूप से एक ऐसी भूमि को तलाश रहे हैं, एक ऐसे कार्य क्षेत्र को तलाश रहे हैं, एरिना मतलब कार्य क्षेत्र फॉर पीस मेकिंग। वो क्या करना चाहते हैं? पीस मेकिंग, कहीं भी जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं। आफ्टर फेलिंग टू मेक हेडवे विथ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ पहले तो क्या कर रहे थे, शांति करना चाह रहे थे कि नॉर्थ कोरिया से बोल रहे थे किम जोंग उन से कि भाई तू रहने दे, तेरी मिसाइलों का प्रयोग करना बंद कर। तो वहाँ तो वो सफल हो नहीं पाए, नॉर्थ कोरिया जो है लगातार मिसाइलें पे मिसाइलें दागे जा रहा है, सुन ही नहीं रहा वो। तो अब इसके बावजूद जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे थे, कोई एक ऐसा क्षेत्र तलाश रहे हैं कि वहाँ उन्हें जो है दोबारा से शांति बहाली करने का अवसर मिल जाए। तो उनको लगा कि यार ये अच्छा अवसर हो सकता है। तो उन्होंने अभी बयान दिया था ना कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थ बनने को तैयार हूँ और इनके बीच में जो है समझौता कराने को तैयार हूँ कश्मीर मुद्दे को लेकर, ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया था। तो इसी के बारे में एडिटोरियल बोलता है कि नई दिल्ली ने बिल्कुल ठीक किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था मध्यस्थ बनने का, उस प्रस्ताव को बिल्कुल बुरी तरह से स्वीकार कर दिया, रिबफ कर दिया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की जा रही है कोमा से कोमा के बीच में, इविडेंटली इन सर्च ऑफ। डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रामाणिक रूप से किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे कार्य क्षेत्र की जहाँ पर वो जो है शांति बहाली का प्रयास कर रहे हैं कि आफ्टर फेलिंग, कहाँ पर फेल हो जाने के बाद, टू मेक हेडवे। हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, कि नॉर्थ कोरिया के साथ जो उन्नति जो कर रहे थे ना, वो पीस मेकिंग का जो प्रयास कर रहे थे, वहाँ तो वो फेल हो गए, अब दूसरा कोई क्षेत्र मिल जाए उनको, ऐसा कुछ वो चाह रहे हैं। अब देखो कोमा के लाग बाद क्या लगा हुआ है, ऑफर्ड टू मीडिएट। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप हु, इसके बाद में कोमा है और ऑफर्ड के पहले कोमा है। अब इसे तो समझो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा से सेंटेंस को पढ़ता हूँ, दोबारा देखो। न्यू दिल्ली क्वाइट राइटली रिबफ्ड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु ऑफर्ड टू मीडिएट। नई दिल्ली ने बिल्कुल ठीक किया US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता करने के ऑफर को, मध्यस्थता करने के उनके सुझाव को, मध्यस्थता करने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके, बिल्कुल ठीक किया न्यू दिल्ली ने। बट वाइल डीलिंग डायरेक्टली विद द चैलेंजेस इन कश्मीर, लेकिन जहाँ तक कश्मीर से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, कश्मीर के साथ हमें किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए, जब आप कश्मीर से संबंधित जो भी चुनौतियां हैं उनको जब आप डील करते हो, डायरेक्टली जब आप उनके साथ पेश आते हो, इट मस्ट रियलाइज, तो सरकार को इस बात का अनुभव होना चाहिए, इस बात को महसूस करना चाहिए कि एनी मिस स्टेप कैन बी कॉस्टली, कि कोई भी गलत कदम अगर सरकार ने उठाया तो वह जो है सरकार पर बहुत भारी पड़ सकता है। ये इस बात का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप को तो ठीक है डांट दिया फटकार दिया, लेकिन जब आप कश्मीर से जुड़े हुए कोई भी चुनौती है, कोई भी मुद्दा है, इससे डायरेक्टली जब आप पेश आते हो तो डायरेक्टली जुड़ते हुए, डायरेक्टली पेश आते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इट मस्ट रियलाइज, सरकार को ये रियलाइज होना चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए कि एनी मिस स्टेप, कि कोई भी गलती भरा कदम कैन बी कॉस्टली, बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। कल रविवार है, कल एडिटोरियल आता नहीं है, कल की रहेगी छुट्टी, सोमवार को फिर मिलते हैं।